हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, आप लोग मेरे काफ़ी मतलब सब्सक्राइबर हो और काफ़ी सब्सक्राइब मेरे हो चुके हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब होने का कोई फ़ायदा उठा ही नहीं रहे हो। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब ऐसे कर रहे हो जैसे कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और आराम से आप सो रहे हो। तो दोस्तों, आपकी लाइफ अभी इतनी भी नहीं है कि आप आराम करो। आपको अगर आपका फ्यूचर बनाना है तो आप कुछ करो, कुछ करना सीखो ताकि आप अपना फ्यूचर बना सको, ठीक है? तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे फील्ड में ही कुछ करो या फिर अपने एकेडमी के लिए ही कुछ करो, लेकिन अगर आपको जिस चीज़ में या जिस फील्ड में आपको अच्छा नॉलेज है या फिर आप नॉलेज गेन करना चाहते हो या फिर हासिल करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको अभी रेस्ट मोड में नहीं रहना है, आपको अभी काफ़ी कुछ सीखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल मैं बाकी जो जोन हैं उनको तो मैं छोड़ता हूँ और यहाँ पे मैं एथिकल हैकिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग बेस पे काम करता हूँ, तो मैं उसी की बात करूँगा आपके सामने ताकि आप इस चीज़ को समझे। तो दोस्तों, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि अपने जितने भी जो इंडियन भाई है, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा पैसे दे नहीं सकते लेकिन सीखना वो भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हम भी रिवर्स इंजीनियरिंग सीखे, हम अभी सॉफ्टवेयर क्रैक करना, सॉफ्टवेयर को रिवर्स करना, सॉफ्टवेयर की कीजन पैचेज और सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर आईडी बेस प्रोटेक्शन बाईपास करना, ये सब सीखना वो सब चाहते हैं। लेकिन देखो, अगर आप फ्री का कुछ सर्च कर रहे हो तो फ्री का रिसोर्स आपको मिल जाएगा, लेकिन आप यूट्यूब वगैरह इन पे मिल जाएगा, लेकिन आपको इतना कुछ डीप में सीखने को नहीं मिलेगा जितना कि आपको हमारी एकेडमी में मिल रहा है। तो और ऐसा भी नहीं है कि एकेडमी एक ही इंटरनेट पे अवेलेबल है। दोस्तों, एकेडमियाँ बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन उसमें और हमारी एकेडमी में आपको डिफरेंस दिखेगा, और डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि जो बाकी एकेडमी है वो इतना नॉलेज नहीं देती है, कभी डीप में बताती नहीं है और आपसे पैसे भी 40-50 हज़ार के समथिंग वो ले लेती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, हम 2-3 हज़ार रुपये आपसे लेते हैं या फिर मान लो कि इनसे भी कम हम पैसे आपसे लेते हैं और आपको डीप नॉलेज देते हैं, प्लस में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप काफ़ी गरीब हो और आप इतने पैसे नहीं दे सकते तो आप मेरे से पर्सनल में बात कर सकते हो, क्योंकि हम कन्विंस कर सकते हैं या फिर इसको हम आपस में बात करके कर सकते हैं पूरा कि कितना देना पड़ेगा आपको और कितना मैं आपसे कम से कम मैं ले सकता हूँ। तो ये चीज़ है दोस्तों, एक बार आप जो मेरी एकेडमी है उस पे आके देखो, आपको सब पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हम क्या सीख रहे हैं और वो क्या सिखा रहे हैं। तो दोस्तों देखो, मैंने अभी फ़िलहाल एक कोर्स मैंने ये बनाने की कोशिश की और मैं इस पे वीडियो बना भी रहा हूँ, हालांकि मैं इस पे अभी डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि जैसे बंदे हो जाएंगे तो मैं इस पे रोज़ एक क्लास डाल दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन का जो कोर्स है उसमें एक बार आप कैरिकुलम में आके देखना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कि यहाँ पे पढ़ा क्या रहे, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो मैंने इतना डीप में इसको बता रखा है। यहाँ पर देखो, इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन, पैकर एंड डिटेक्टर प्रोटेक्शन, डी ऑब्फ्यूजेशन ऑब्फ्यूजेशन, ये सारे दोस्तों जो सॉफ्टवेयर में बेसिकली यूज होते हैं वो सारे सारे मैंने यहाँ पे इनको एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे मैंने और भी काफ़ी चीज़ें बताई है, देखो स्क्रिप्ट बनाना भी मैंने सिखाया है, और काफ़ी जो जितने भी जो प्रोटेक्शन होते हैं वो प्रोटेक्शन मैं यहाँ पे अनपैक या फिर मैनुअली अनपैकिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं काफ़ी यहाँ पे चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी आपको पता है कि इनिग्मा प्रोटेक्शन हाईएस्ट पे चल रहा है, हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है और लोग ज़्यादातर उसी प्रोटेक्शन का यूज करते हैं ताकि ये जल्दी से करेक्ट ना हो, तो मैं उसका भी ट्यूटोरियल इसमें बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ भी आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी डीप में बताया। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, आपके सामने की बात है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन रिमूव करना
ऐसी कोई भी एकेडमी अभी तक नहीं बनी है जो आपको इतना कुछ सिखा सके, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा माइंड में एक बार ध्यान में रख ले। और जो मेरे सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर मेरे काफ़ी हैं, तो आप अगर ये कोर्स करना चाहते हो तो आप पर्सनल में मेरे को टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आके बात कीजिए, ताकि मैं आपको इसके बारे में और बता सकूं डिटेल्स में। और आप पैसे के बारे में मेरे से बात कर सकते हो कि भाई हम इतना ही दे सकते हैं, हमारे पास इतना ही पैसा है, हम स्टूडेंट है, तो वो चीज़ भी हम देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जो फिक्स रेट है तो हम फिक्स ही आपसे लेंगे, वैसा नहीं है, हम कम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ है, तो आप इस चीज़ को समझिए। और बाकी मैंने काफ़ी कोर्स डाल रखे हैं इस पर, अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन देखना चाहते हो तो ऑफलाइन भी मैंने काफ़ी कोर्सेज यहाँ पे डाल रखे हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि मैं क्लास लेना चाहता हूँ और क्लास में कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ पे प्राइवेट ग्रुप में उसको पूछ लूँ, तो उसका भी उसका भी सोल्यूशन है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने काफ़ी कोर्स है, और यहाँ पे अपनी पर्सनल टूल्स है जिससे मैं सॉफ्टवेयर क्रिएट करता हूँ, वो भी मैंने डाल रखी है। तो ये ऑफलाइन कोर्स है जिसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं क्लासेज लूँगा ताकि मैं एक एक रोज क्लास लूँ, और अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, तो मैं डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट करके आपसे वो चीज़ पूछ सकूँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक प्रोटेक्शन का है, असेंबली है, और IH7 ये मालवेयर एनालिसिस का है, और उसके बाद में दी रिवर्स इंजीनियरिंग ये कोर्स है। तो दोस्तों इसमें देखो, अगर आप ये कोर्स ले रहे हो और आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो आप क्लास ज्वाइन करने के बाद में कम से कम आपको 2 महीने या फिर 3 महीने की क्लासेस दी जाती है, और उसके बाद में आपके एक एग्ज़ाम ली जाती है। जब आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक एक सर्टिफिकेट जनरेट होके आ जाता है, तो आप सर्टिफिकेट वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों ये इसकी इस एकेडमी की फैसिलिटी है, और आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे बात करें हम एथिकल हैकिंग की, तो एथिकल हैकिंग की फ़िलहाल जो मेरी टीम है वो टीम बाहर है, तो यहाँ पे टीम नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी जो कोर्स अभी तक के जो करंट कोर्स है वो रिवर्स इंजीनियरिंग पे बनाए जा रहे हैं, और रिवर्स इंजीनियरिंग पे काफ़ी कोर्स आने वाले हैं, और एकेडमी पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे धांसू होने वाली है। तो वो चीज़ आप एक बार समझिए और उस पर अमल कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।